दोस्तों, हम अपनी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के माध्यम से यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के कोर्सेज उपलब्ध कराते हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध हैं। आपको एप्लीकेशन में वीडियो कोर्स के अलावा पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज मिलेंगे, तो आप हमारी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें। विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का जो कोर्स आपको तैयार करा रहे हैं उसके वीडियो नंबर 5 पे आ गए हैं। इसमें हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं सप्लाई फंक्शन के बारे में, यानी कि सप्लाई क्या होती है, स्टॉक क्या होता है, इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई, फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ लॉ ऑफ सप्लाई, यानी कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, एग्जम्पशन क्या है, एक्सेप्शंस क्या है, कॉजेज क्या है, एंड मूवमेंट एंड शिफ्टिंग इन सप्लाई, यानी कि मूवमेंट क्या है, शिफ्टिंग क्या है, एक्सपेंस एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेगी। यूट्यूब पर हम आपको सप्लाई फंक्शन का वीडियो जो है वो आपको आगे समझाना शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब किसी गुड्स का प्राइस डिटर्मिनेशन होता है तो उसमें डिमांड के साथ साथ सप्लाई का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इस वीडियो के साथ हम आपको सप्लाई का चैप्टर जो है वो स्टार्ट करा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि सप्लाई और स्टॉक में क्या अंतर है। देखिए, कई बार जो सामान होता है वो होता तो है पर हम बेचने को तैयार नहीं होते। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि मेरे पास में किसी भी गुड्स की, मान लीजिए उस गुड्स का प्राइस चल रहा है 100 रुपये, और मेरे पास उसकी जो क्वांटिटी है अवेलेबल, क्वांटिटी अवेलेबल है, मान लीजिए वो है 500 यूनिट। लेकिन ये जरूरी नहीं है ना कि मैं 100 रुपये पर 500 यूनिट बेचने को तैयार हो ही जाऊं। ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि मेरी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो इतनी ज्यादा है कि मैं प्राइस बढ़ने का इंतजार कर रहा हूं। तो इस केस में मान लीजिए मैं क्वांटिटी केवल सप्लाई करता हूं 100 की, और जब प्राइस 200 हो जाता है तो मान लीजिए मैं सप्लाई कर देता हूं 150 यूनिट की। जब प्राइस 300 हो जाता है तो मैं सप्लाई कर देता हूं 200 यूनिट की। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज हमारे पास अवेलेबल है ये कहलाता है स्टॉक, स्टॉक, और जो चीज हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बल्कि जो चीज हम बेचने के लिए रेडी हैं, जो हम सप्लाई करने को रेडी हैं, उसको कहते हैं सप्लाई। यानी कि सप्लाई जो है वो बताती है कि किसी स्पेसिफिक प्राइस पर जो प्रोड्यूसर है वो कितनी क्वांटिटी सेल करने को तैयार है। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है हमने, सप्लाई रेफर टू द डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल। सप्लाई का मतलब है रेडी टू सेल एट डिफरेंट प्राइस, डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ कमोडिटी। इट्स अ फ्लो कॉन्सेप्ट, यानी कि इसको आप एक पर्टिकुलर समय में ना नाप के पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मेजर करते हो। मतलब जैसे एक साल में कितनी सेल हुई या 6 महीने में कितनी सप्लाई की, इस तरीके से आप इसे मेजर कर सकते हो। सप्लाई इज ऑलवेज रिलेटेड टू प्राइस। अगर प्राइस ना हो तो सप्लाई का कोई मतलब ही नहीं है। यानी कि किसी पर्टिकुलर प्राइस पर एक प्रोड्यूसर कितनी सप्लाई करने को रेडी हो जाता है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ सप्लाई होगी, इसी को बोलते हैं सप्लाई। और ये जो सप्लाई है इट्स अ फ्लो कॉन्सेप्ट। जबकि स्टॉक का मतलब है इसका कोई प्राइस से रिलेशन नहीं है उस तरीके से, लेकिन इसका मतलब है कितनी क्वांटिटी जो है वो अवेलेबल है सेल के लिए। इट्स अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, आप याद रखिएगा, इट्स अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, क्योंकि सप्लाई केवल स्टॉक से होती है और इसका प्राइस से उतना डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं सप्लाई की, तो देखिए सब हम सप्लाई बनाते हैं तो सप्लाई को शेड्यूल के थ्रू भी दिखा सकते हैं और टेबल के थ्रू भी सिखा सकते हैं। तो मैं आपको समझा देता हूं शेड्यूल के थ्रू कैसे समझा देते हैं। देखिए, जब आप प्राइस का और क्वांटिटी का रिलेशन बनाते हो, ठीक है जी, यानी कि फर्म जो है, मान लीजिए दो फर्म है, एक फर्म ए और फर्म बी, दो फर्म है मार्केट में, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो क्वांटिटी सप्लाई होगी, जो मार्केट सप्लाई होगी, वो क्या होगी, दोनों इंडिविजुअल की सप्लाई का सम होगी। तो ये हमारी है इंडिविजुअल सप्लाई, वो है हमारी मार्केट सप्लाई। मान लीजिए प्राइस 100 रुपये है, 150 रुपये है, 200 रुपये है, तो इस तरीके से जो फर्म ए है वो भी अपनी सप्लाई जो है वो डिफरेंट डिफरेंट करेगी। यानी कि मान लीजिए 100 पर ये 150 सप्लाई करती है, 250 करती है और 350 करता है, जबकि इसके जो है वो 50 है, 100 है और 150 है। तो जब ए और बी की सप्लाई को ऐड कर दोगे तो इसको बोलते हैं मार्केट सप्लाई, और मार्केट सप्लाई बनाने के लिए आपको दोनों ही फर्मों की सप्लाई को ऐड करना पड़ता है। तो ये हमारी मार्केट सप्लाई हो गई, यानी कि इंडिविजुअल व्यक्ति की सप्लाई को रिप्रेजेंट करता है अगर कोई टेबल, यानी कि इंडिविजुअल सप्लाई टेबल इज द प्रेजेंटेशन ऑफ
सप्लाई बाय इंडिविजुअल फर्म, और जो मार्केट सप्लाई है वो सभी फर्मों के द्वारा जो सप्लाई की जाती है उसको मेजर करने का काम करता है। यानी कि यहाँ पे देखिए यही बताया हुआ है, इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब क्या है और मार्केट सप्लाई का मतलब है। बेसिकली सप्लाई का मतलब जो होता है वो होता है कि जो सप्लाई शेड्यूल है वो रिप्रेजेंट करती है डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी को। इसी तरीके से देखिए सप्लाई कर्व हम मार्केट सप्लाई इंडिविजुअल सप्लाई कर्व भी बना सकते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, और यहां पे हम मार्केट सप्लाई कर्व बना लेते हैं। ठीक है जी, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व का मतलब क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए ये सप्लाई है और एक ये सप्लाई है फर्म की, ठीक है जी, इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये मार्केट सप्लाई बन जाएगी। कैसे मार्केट सप्लाई बनेगी, जैसे मान लीजिए ये फर्म ए है, फर्म ए 100 रुपीज पर जो सप्लाई कर रही है, मान लीजिए वो सप्लाई करने को तैयार है 150 यूनिट, जबकि बी जो है फर्म बी जो है वो केवल 50 यूनिट सप्लाई कर रही है। ये फर्म बी का है, इसको मैं एस बी बोल देता हूं, ये सप्लाई है ए का। और इसी तरीके से जो मार्केट में 1000 रुपए पर सप्लाई कितनी आ रही है, ये आ रही है मान लीजिए 200। ठीक है जी, अब सपोज कीजिए कि प्राइस जो है वो बढ़ जाता है 150 हो जाता है, तो 150 प्राइस पर ये अपनी सप्लाई बढ़ा के कर देता है 250। हालांकि पॉइंट हमें मिल गया ए और बी, हालांकि हमने सप्लाई कर पहले बना लिया, लेकिन अगर आप इसको जोड़ दोगे तो ये कहलाएगा आपका मार्केट सप्लाई कर। इसी तरीके से जो फर्म है मान लीजिए वो बना रही है 75, तो इसका मतलब है कि ये कॉम्बिनेशन और इस कॉम्बिनेशन को आप जोड़ दो तो ये कहलाएगा मार्केट सप्लाई। इसी तरीके से ये 100 है और ओवरऑल आपकी जो सप्लाई है, अब आपकी सप्लाई जो हो गई है वो बढ़कर 275 हो गई है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर आप इंडिविजुअल मार्केट सप्लाई को जोड़ दोगे तो आपको मार्केट सप्लाई मिलेगी इंडिविजुअल सप्लाई को जोड़कर, और जो इंडिविजुअल सप्लाई होगी वो ज़्यादा फ्लैट होगी एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल सप्लाई, यानी कि मार्केट सप्लाई ज़्यादा फ्लैट होगी इंडिविजुअल सप्लाई के। तो इस तरीके से जो सप्लाई कर्व है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो दिखाता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी कितनी मात्रा में सप्लाई की जाएगी। तो चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं उन फैक्टर्स के बारे में जो कि सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि जो सप्लाई है वो कई सारे फैक्टर का फंक्शन है, कई सारे फैक्टर क्वांटिटी जो सप्लाई है वो कई सारे फैक्टर का फंक्शन है, जैसे प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसके अलावा टेक्नोलॉजी, इसके अलावा नंबर ऑफ फर्म्स। तो इन सब की वजह से जो क्वांटिटी सप्लाई इन्फ्लुएंस होती है, इसीलिए इसको सप्लाई फंक्शन कहते हैं। यानी कि सप्लाई फंक्शन का मतलब है इस वीडियो में या इस टॉपिक में हमें इन बातों पर डिस्कस करना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी फर्म की सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, ओन कमोडिटी, यानी कि जब हमारे प्राइस जो है, जो हमारा प्राइस है, देखिए अगर मान लीजिए प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी जो है वो घट जाएगी, बढ़ जाएगी सप्लाई की, और प्राइस घटता है तो क्वांटिटी सप्लाई कम हो जाएगी, इसको लॉ ऑफ सप्लाई भी बोलते हैं। यानी कि हमें याद रखना है कि जो पहला फैक्टर है जो किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी गुड्स के प्राइस को, जो सप्लाई को इन्फ्लुएंस करता है वो खुद का प्राइस है। अगर किसी वजह से प्राइस बढ़ता है तो ज़्यादा मात्रा में सप्लाई की जाएगी, प्राइस घटता है तो कम क्वांटिटी में सप्लाई की जाएगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको ये बात समझ में आनी चाहिए।
इसके अलावा जो टेक्नोलॉजिकल, देखिए अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, आप देख रहे हो आने जो करंट समय चल रहा है इसमें आपको कितनी सारी गुड्स देखने को मिल रही है, इवन सस्ती देखने को मिल रही हैं, तो इसकी वजह टेक्नोलॉजी है। हम डिमांड सप्लाई की बात नहीं कर रहे, हम सिंपल सप्लाई की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होता है तो लेबर की एफिशिएंसी बढ़ेगी, कैपिटल की एफिशिएंसी बढ़ेगी और ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाएगा जिससे सप्लाई भी ज़्यादा होगी। अगर टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन होता है, टेक्नोलॉजी खराब होती है, तो इससे क्या असर होगा? इसका असर ये होगा कि क्वांटिटी जो सप्लाई है वो घटेगी और क्वांटिटी सप्लाई घटने की वजह से आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स भी कम हो जाएगी, यानी कि टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट से सप्लाई बढ़ती है और टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन से सप्लाई में कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा प्राइस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, देखिए लैंड जो है, लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे के सारे हमारे इनपुट्स हैं, ये सब इनपुट के बाद जो निकलता है वो आउटपुट है। तो अगर इनपुट महंगा हो जाएगा तो आउटपुट भी महंगा हो जाएगा, और आउटपुट महंगा होगा तो सप्लायर जो है वो सप्लाई को कम कर देगा। इसी तरीके से अगर इनपुट सस्ता होता है, मान लीजिए रेंट सस्ता हो जाए, लेबर सस्ता हो जाए, तो ज़्यादा फर्म में प्रोडक्शन करने का प्रयास करेंगी। सिंपल सरल भाषा में बात समझ लीजिए, यानी कि किसी भी फर्म का, किसी भी कंपनी का सप्लाई इस बात पर भी डिपेंड करती है कि उसकी जो अवेलेबिलिटी है गुड्स की मार्केट में, वो सॉरी जो फैक्टर की अवेलेबिलिटी है मार्केट में कितनी है। अगर फैक्टर स्केयर हो जाते हैं या उनकी प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो फर्म कम सप्लाई करेगी, और अगर फैक्टर सस्ता हो जाए तो फर्म जो है वो ज्यादा सप्लाई करने का प्रयास करेगी। ये बातें आपको दिमाग में रखनी चाहिए। इसके अलावा नंबर ऑफ फर्म, देखिए नंबर ऑफ फर्म का भी असर पड़ता है। अगर नंबर ऑफ फर्म इंक्रीज करती हैं तो जो क्वांटिटी है सप्लाई की वो भी इंक्रीज करेगी, क्योंकि जब ज़्यादा फर्में प्रोडक्शन करेंगी तो मार्केट में जो गुड्स की अवेलेबिलिटी है वो भी ज़्यादा होगी, कम फर्में सप्लाई करेंगी तो मार्केट में गुड्स की अवेलेबिलिटी भी कम होगी। ये आपको दिमाग में बिल्कुल रखना चाहिए, सिंपल सरल भाषा में आप समझ लीजिए। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है या सब्सिडाइज देती है, अगर गवर्नमेंट किसी गुड्स के प्रोडक्शन को टैक्स लगा देती है भारी भरकम टैक्स लगा देती है, तो डेफिनेटली जो प्रोड्यूसर है उसका गुड्स बनाने के प्रति जो इंसेंटिव है वो घट जाएगा, वो कम से कम गुड्स बनाएगा। और अगर वहीं किसी गवर्नमेंट किसी गुड्स को सब्सिडाइज करती है, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक कार को सब्सिडाइज कर रही है, तो वो फर्में जो इलेक्ट्रॉनिक कार नहीं बना रही हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कार बनाना शुरू करेंगी, क्योंकि उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा। तो इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि जिस भी चीज़ को गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है फर्म उसके प्रोडक्शन में इंटरेस्ट लेती है और उसकी सप्लाई बढ़ जाती है। इसके अलावा बिजनेस एक्सपेक्टेशन, अगर लगता है कि आने वाला वक्त बूम का है फर्म को, तो वो मोर सप्लाई करेगी, और अगर उसको लगता है कि रिसेशन आने वाला है, उसको लगता है कि आने वाले वक्त में हो सकता है उसका माल ना बके, तो वो सप्लाई में कमी करेगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने समझा कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा।